हेलो एवरीवन, आज हम छत्तीसगढ़ की ट्राइबल आर्ट गोदना आर्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता है क्लोथ, न्यूज़पेपर, एक्रेलिक कलर, यहाँ मैंने ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर लिया है, स्केच पेन, स्केल, ब्रश, पेंसिल और वाइट पेपर। आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ स्केल पर 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। स्केल के दोनों साइड में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर की तरफ में 1-1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऐसे ही मैं नीचे की तरफ भी 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमें इन्हें स्केल की सहायता से पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब नीचे वाले जॉइंट को पॉइंट को ऊपर से मिला देना है। ये हमारा जिगजैग का शेप का डिजाइन बनकर तैयार है। अब हम डायमंड शेप के अंदर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही रिपीट करते हुए हमें बाकी ब्लॉक्स में भी बनाना है। ट्रायंगल शेप में हम 2 टाइम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अभी ऊपर की तरफ हम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन करते हुए वापस 5 इंच लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ सेंटीमीटर पर वापस 5 इंच की एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम सेंटर में 2.5 इंच पर डॉट का मार्क करेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। इसके बाद हम 1 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे और अगेन 1 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे। 2.5 इंच पर जो हमने निशान लगाया था, हम इसके दोनों तरफ 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन डॉट्स को हमें मिलाना है। नीचे की तरफ 1 सेंटीमीटर पर दोनों तरफ मार्क करेंगे और इन लाइंस को मिला देंगे। कॉर्नर के साइड में मैं यहां से 1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं दोनों तरफ। इसके ऊपर मैं 3 लीफ बना रही हूँ। यहाँ हमें अब इसके ऊपर सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए मैं यहाँ पर कैप यूज कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट पर करते हुए हमें सर्कल ड्रॉ करना है एक स्मॉल कैप यूज करते हुए। यहाँ दूसरे पॉइंट पे अपने एक और कैप को रखते हुए मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे सर्कल बनकर तैयार है। इसके अंदर हम यहाँ पर एक डायमंड शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अंदर जो सर्कल है इसके अंदर हम यहाँ पर लाइनें करेंगे चारों तरफ। बाहर की तरफ हम यहाँ पर एक स्मॉल सर्कल के जैसे बनाएंगे। आइए अब इसमें कलर करते हैं।
ये हमारा डिजाइन कपड़े पर बनकर तैयार है। आइए अब इसमें कलर करते हैं। यहाँ जो हमने न्यूज़पेपर लिया था उसे यहाँ मैंने क्लॉथ के नीचे लगाया है, जिससे जब हम कलर करेंगे तो उसके नीचे नहीं जाएगा। यहाँ मैं सबसे पहले रेड कलर कर रही हूँ। मैं एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ, इसमें वाटर की आवश्यकता नहीं होती। मैंने यहाँ पर ट्रायंगल में रेड कलर फिल किया है। यहाँ ये हमारा डिजाइन कलर के बाद तैयार है। इसी प्रकार हमें अपने बाकी डिजाइन में भी कलर करना है। यहाँ ये हमारा स्टॉल कलर के बाद तैयार है। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। न्यू एंड इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।